बीजेपी जिसको भी टिकट देगा कोई भी आदमी अच्छा। सरजू साहू को भी टिकट मिलेगा जीत जाएगा। सरजू साहू मैं हूँ। बड़े काम जैसा मेट्रो चीज है, अभी तक पूरा हिंदुस्तान में मेट्रो शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में कई मेट्रो शुरू हुई है। सबसे बड़ा काम मेट्रो है, वो मेट्रो नहीं है। हाँ, वैसे ही एक फुटपाथ होगा, वो तो फ्लाईओवर बनाया था। फ्लाईओवर था और वो शुरुआत अच्छा था, लेकिन उसको उपयोग करने के नाम से वो बिल्कुल बेकार हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक, मैं हूँ आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कह सकते हैं सरगर्मियां तेज हो गई है, लोकसभा के लिए सांसद कौन होगा और इसी को जानने के लिए हम छत्तीसगढ़ तक ने लगाई है रायपुर में चौपाल और रायपुर की जनता से जानने का प्रयास करेंगे वर्तमान सांसद का कामकाज कैसा था और आने वाले दिनों में सांसद को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। तो सीधे आइए जनता से बात करते हैं। लोकसभा की बात करें तो कौन है आपका सांसद? अभी हमारे लोग यहाँ सांसद है सुनील सोनी करके, और उसका तो वैसे कार्यभार बहुत अच्छा रहा, और आगे चल के अब किसको सांसद के लिए टिकट देता है पार्टी तो वो तो अभी बात की बात है। उपलब्धियों की बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ उपलब्धि याद आता है उनका? उपलब्धि तो है, बहुत जगह अपने सांसद एरिया में तो काम करवाए हैं उसने, सांसद निधि कोटा से पैसे दिए हैं सब। चुनाव के बाद सांसद जी कितना दिखे? मैं इसके बारे से कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या चाहते, कुछ काम तो चाहते होंगे? जो आप चाहते हैं बताइए कि उनका काम अच्छा है नहीं है, या सांसद फिर से उनको देखना चाहते हैं? आप एक जागरूक नागरिक हैं, उसके नाते आपकी कोई विचार होगी उसको रखिए। नहीं, विचार में तो यह है कि अब जो सांसद को टिकट मिलेगा, जो कार्यकाल जिसकी अच्छी रहते हैं उसी को टिकट मिलना चाहिए, जो कार्यकाल में आने के बाद भी जो अच्छा कार्य करे जो माने जनता के लिए वैसे सांसद होना चाहिए। आइए ना, कहाँ जा रहे हैं, बोलिए। उसी तरीके से सांसद जो है कि अपना कार्यकाल अच्छा करें ताकि लोगों की भावना के ऊपर काम करेगा तभी वो जीत पाएंगे और उसका कार्यकाल अच्छा रहे। अभी बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कितना अच्छा बात बोले आप, जो उसी को देना चाहिए जो काम करे। क्या कहेंगे अगर आपके सांसद की बात करें तो कितना सक्रिय रहे 5 साल? नहीं, मैं तो लोकल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे हूँ, विधानसभा है ना हमारे ही क्षेत्र का है सुनील सोनी जी, और जहाँ तक मैं विधानसभा से लगा हुआ है गाँव बरोदा से हूँ मैं। कैसा गांव में पहुंचूंगा? आइए भैया। नहीं, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए तो, हमारे गांव में अपना सांसद निधि के तहत जो है 5 लाख रुपया दिए हैं अनुदान राशि, है ना, इसके लिए हम तो वहां के आसपास के जो निवासी है उन सांसद महोदय जी का तहे दिल से आभारी है। अभी तक इनके पूर्व जो सांसद थे वो कुछ ऐसा नहीं दिए थे, उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत एक्टिव पर्सन सांसद रहे हैं। भाजपा से हैं आप? भाजपा से हूँ मैं। किस पोस्ट में है? विधानसभा मंडल से मैं महामंत्री हूँ। क्या लगता है कौन से मंडल से? विधानसभा मंडल से। विधानसभा मंडल से वहाँ पे क्या लगता है, कांग्रेस का जोर है कि नहीं है? कांग्रेस का जोर तो नहीं है, नहीं है, नगण्य है बिल्कुल। इस बार कैसा रहेगा माहौल? अभी हमारा जो मातारी वंदना का जो काम चल रहा है ना, और मोदी जी का जो लहर है उसके हिसाब से पिछले बार सांसद मोदी जी ना 3,51,000 से जीते थे, है ना, और इस बार देखना सांसद जो है जो हमारे क्षेत्र से रायपुर लोकसभा से लगभग 5 लाख मत से जीतेगा वो। 5 लाख मत से जीतेगा, क्या कहेंगे सांसद जी को देखा? सांसद को जानते कि नहीं आप? मैं जानता हूँ, लेकिन कौन है सांसद आपके? और चुनिल साहू था, महासमुंद कह रहा है। अच्छा, महासमुंद के। अभी रायपुर में? अभी मैं यहाँ निमंत्रण में आया हूँ मरने का। देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कैसा काम कर रहे हैं वो? अच्छा काम। क्या लगता है फिर से आना चाहिए? फिर से आए, आ जाएंगे? आ जाए। काम काज ठीक उनका? काम काज ठीक उनका। क्या कहेंगे आपके सांसद कौन है यहाँ से रायपुर से? अभी यह सुनील सोनी जी से पूछना पड़ रहा है आपको, याद नहीं है? अब देखो भैया, हम रोज कमाने खाने में लगे रहते हैं ना, इस वजह से। ठीक है भाई, जनप्रतिनिधि तो रोज कमाने खाने वाले का भी है, नौकरी पेशा वालों का भी है। आप सही मायने में ये है कि हम राजनीति में ज्यादा लगे नहीं रहते, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से ही हमको फुर्सत नहीं रहता। तो सबका रहता है राजनीति से। वो हाँ। कैसे है काम काज दिखते हैं? हाँ, हो रहा है काम काज, हो रहा है। हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि सांसद जी का है उसमें योगदान? काम देखिए नाम किसी एक का चलता है, लेकिन सब मिलजुल के काम करते हैं तब जाके काम होता है। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया तो जब तक कार्यकर्ता लोग काम करेंगे नहीं तो कहाँ से काम होगा, है ना? तो सभी लोगों का सहयोग रहता है। परिवार कैसे चलता है? परिवार एक दूसरे के सहयोग से चलता है, कोई अकेले मुखिया आदमी नहीं कर सकता। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का काम काज ठीक है? बहुत बढ़िया है, अच्छा काम। फिर से बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। कांग्रेस वाले न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं, फर्क पड़ेगा आपके रायपुर में?
नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए अभी आप बोल रहे थे रोजगार वाले हैं, कितना शानदार बता रहे थे, क्या लगता है आपके सांसद जी कितना दिखते हैं? नहीं सक्रिय है सर, सक्रिय। कैसा रहा काम का, कोई उपलब्धि अगर बताना हो कि रायपुर के सांसद है, राजधानी का सांसद होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो अगर वो राजधानी के सांसद रहे तो कोई काम याद आता है कि उनके पहल से हुआ हो? जो नगर निगम जो बैंक बनाया ना, सुनील सुनील बनाया, जो हाईवे जो शुरुआत किया है सुनील सुनील कर रहा है। सुनील सुनील क्या लगता है रायपुर में जिस तरह के विकास होने चाहिए हुए? नहीं अब शुरू हो रहा है, अभी तक नहीं था, अभी अब क्योंकि अभी दोनों अलग अलग गवर्नमेंट थे ना, तो बीजेपी वाले करना चाहते थे, कांग्रेस वाले रुकते थे, कांग्रेस वाले करना चाहते थे, तो अब जो डबल इंजन की सरकार है और नया आदमी आएगा जो भी, और नरेंद्र मोदी, आप क्या चाहते हैं सांसद का टिकट फिर से मिलना चाहिए बदलना चाहिए? देखो बीजेपी जिसको भी टिकट देगा जीत जाएगा, कोई भी आदमी। अच्छा। सरजू साहू को भी टिकट मिलेगा जीत जाएगा। सरजू साहू मैं हूँ। सुनील सुनील कोई भी आदमी, आप भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप, मतलब इस बार कह रहे हैं कि प्रत्याशी मायने नहीं रखेगा, जिसके नाम के साथ कमल फूल का निशान लग गया वो जीत जाएगा। कमल फूल नरेंद्र मोदी चाहे जिसको भी खड़ा कर दो, आप 100%। रायपुर राजधानी की बात करें तो अगर कुछ काम चाहते हो कि काम होना चाहिए तो कौन सी काम जरूरत है, जरूरी है रायपुर में? कि सारे काम हो गए? नहीं अब बड़े बड़े काम शुरू हो गए, अभी तक छोटे छोटे काम हुआ है, अब बड़े काम जैसा मेट्रो चाहिए है, अभी तक पूरा हिंदुस्तान में मेट्रो शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में कई मेट्रो शुरू भी हुआ, सबसे बड़ा काम मेट्रो है। भाजपा वाले एक मेट्रो टाइप का एक बनाए थे, ओवरब्रिज फुटपाथ, वो मेट्रो नहीं है, वैसे ही एक फुटपाथ होगा, वो तो फ्लाई ओवर बनाए थे, वो फ्लाई ओवर था, वो शुरुआत अच्छा था, लेकिन उसको नहीं उपयोग करने के नाम से वो बिल्कुल बेकार हो गया, वो अगर बनता तो अच्छा बनता। क्या लगता है मेट्रो वाकई में आना चाहिए रायपुर में? बिल्कुल आना चाहिए ना। सांसद जो देखे हैं आप, कितना आते हैं सांसद? इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। निश्चित रूप से क्या कहेंगे आप बताइए, सांसद कौन है? नहीं मैं तो ग्रामीण ही का ही हूँ ना। ठीक है सांसद तो है, सांसद जी है, मोदी आपके हैं, प्रधानमंत्री, ये कैसा है काम का? नहीं ग्रामीण ही का ही में तो ठीक है, हमारे तरफ तो नेशनल हाईवे और जो रेल लाइन का जो विस्तार हो गया ना बहुत हद तक अच्छी है अभी, लेकिन रायपुर से छत्तीसगढ़ में रेलवे बड़ा सुर्खियों में, बहुत ट्रेन कैंसिल हो रहा है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि सांसद जो सुनील सुनील उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इतना ट्रेन कैंसिल हुआ, यात्रियों को परेशानी हुई, सही में लगता है सही था? नहीं नहीं बीच बीच में जो वहाँ टूरिस्ट के लिए ना, नहीं वो तो खैर स्टेशन में भीड़ होता है लेकिन टिकट तो अपने हिसाब से लेवल में कटेंगे ना, वेटिंग में रहता है सब तो वहाँ की, तो ट्रेन कैंसिल हो जाता है तो टिकट ले क्या करेंगे? अब ऐसा तो मैं सफर किया हूँ एक दो बार पंजाब, तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ। बताइए रेलवे का जो काम है ना बहुत जोरों से काम चल रहे हैं, आप जिस सिचुएशन बैठे हैं सही में लग रहा है, दावेदारी किए का टिकट का? मैं यहाँ का पार्षद चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा लड़े हैं, क्या हुआ था, हार गए? मैं हार गया। भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा से प्रत्याशी थे आप, कैसे हार गए बताइए, मोदी का लहर में? नहीं हम लोग, मैं 25 साल पहले चुनाव लड़ा, तभी कौन है पार्षद यहाँ से? यहाँ का तो कुकरेजा है पार्षद, कांग्रेस का था, तो वो अब उसको टिकट मिलना था नहीं मिला, इसलिए मतलब बाकी लड़का वो भी अच्छा काम करता है, एक्टिव लड़का है। निकाय की भी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में भी निकाय का भी चुनाव है, तो अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से बात करें तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री किसे कहेंगे? नरेंद्र मोदी है। सबसे काम अच्छे रखते होंगे? हर काम उसकी अच्छा, जो बोल दिए वो तो होना तय है, ऐसा है उसका काम। रायपुर में अगर बात करें तो कभी सांसद आए आप लोग से मिलने मिलने की, भाई बताओ रायपुर में कुछ काम? लोकल ही आदमी है, रायपुर का ही रहने वाले हैं, मिलते रहते हैं वो। अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे आप लोग? बड़ा मैं देखा मस्त झुंड लगा के बात कर रहे थे, इसलिए मैं भी सोचा कि कार्यक्रम में है, अभी तालाब में आए पानी वानी करने के लिए अपने यहाँ, अभी जो है ना हमारी दीदी खत्म। अच्छा अच्छा तो नहीं है वो, ठीक है वो तो भी दुख की बात। अच्छा ठीक है ठीक है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में फिर से तय है बीजेपी? हाँ बीजेपी तय, सांसद तो पूरा 11 सीट को 11 सीट जीत गया, लेकिन आज तक अभी नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में 11-11। नहीं अभी इस बार होगा पक्का, मोदी लहर है और 11 सीट ही मिलेगा पूरी। तो बड़ा दिलचस्प चौपाल से बातें निकली और यहाँ पे एकजुट लोगों से हमने बात की, और इनका कहना है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पे आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक पार्टी जीते, लेकिन इस बार 2024 की चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भाजपा जीतेगी, और वो इसलिए जीतेगी क्योंकि इस बार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए इनका उम्मीद और दावा भी है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सांसद बीजेपी के ही जीत कर आएंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।